हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो गाइस, आप सभी का स्वागत है आज की एक और माइनक्राफ्ट की वीडियो में। एंड गाइस, आज की वीडियो काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी अमेजिंग होने वाली है। क्यों? क्योंकि गाइस, आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक ऑटोमेटिक आयरन फार्म, वो भी मोबाइल में। और जो भाई जिससे मोबाइल में आयरन फार्म बनाना नहीं आता है ऑटोमेटिक, तो आज की वीडियो देखो और सीखो किस तरीके से अपना आयरन फार्म बना सकते हैं मोबाइल में। और चलो हम आयरन फार्म बनाना स्टार्ट करते हैं। और आयरन फार्म बनाने से पहले जो भी चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक। और हम गाइस 8000 सब्सक्राइबर के काफ़ी ज़्यादा पास हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर याद से कर देना। और करते हैं हम वीडियो स्टार्ट, लेट्स गो। हाँ तो गाइस, हमारे आयरन फार्म में जितना भी सामान लगेगा मैंने टोटल कलेक्ट कर लिया है, तो इस चेस्ट में रखा है। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत होती है आयरन फार्म बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमें 20 बेड्स की ज़रूरत होती है। मेरे पास अभी फ़िलहाल 4 बेड हैं और 20 बेड रखे हैं मेरे, और 20 बेड की ज़रूरत होती है। एंड 20 कंपोस्टर की, मतलब 20 कंपोस्टर ले लो या आप कोई सी भी जॉब ले सकते हैं, तो 20 जॉब होनी चाहिए। और 20 ब्लेजर होने चाहिए हमारे पास। एंड एक बकेट लावा और एक वाटर बकेट होनी चाहिए। एंड 2 चेस्ट वगैरह जो मेरे चेस्ट में रखा है, इतना सामान होना चाहिए। तो फिलहाल अभी करते हैं अपना आयरन फार्म बनाना स्टार्ट। और सबसे पहले मैं देखता हूँ कि इधर की साइड अपना आयरन फार्म बनाया जाए, तो फिलहाल यहाँ पर ही अपना आयरन फार्म बना लिया जाए। तो हमें सबसे पहले नीचे के 5x5 ब्लॉक का एक गड्ढा करना होता है, 10 ब्लॉक डीप, मतलब नीचे को गहराई 10 ब्लॉक की रहनी चाहिए। और हमारी यार एक्स भी टूट चुकी है, सॉरी सवल टूट चुकी है। तो फिलहाल अभी कितने का, ये 5 का हो चुका है एक लाइन। और 5 ब्लॉक के इधर को मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ करके किस तरीके से हमें करना है गड्ढा। हाँ तो गाइस, कुछ इस तरीके से 5x5 का गड्ढा कर लेना है। और ये जो बीच में ब्लॉक रह गए हैं इनको भी तोड़ने हैं, पर मैं अभी तोड़ूंगा, पहले मैं एक सवल बना लाऊँ अपने लिए। हाँ तो गाइस, मैं सवल बना के ला चुका हूँ। और अब करते हैं दोबारा से अपने गड्ढे को कम्प्लीट। एंड तो ये बीच में जितने भी ब्लॉक हैं सब तोड़ लेने हैं। एंड चलो मैं सीधे ही गड्ढा करके मिलता हूँ आपसे। और हाँ, यहाँ से ध्यान रखना, नीचे को हमें 10 ब्लॉक की गहराई करनी है, तो 10 ब्लॉक पर जाके हमें रोक देना है। और बाद में फिर मैं बताता हूँ क्या क्या करना है। तो सीधा ही मैं पहले गड्ढा करके मिलता हूँ आपको। हाँ तो गाइज, हमने अपना ये गड्ढा कंप्लीट कर लिया है जो कि 10 ब्लॉक की गहराई है। और लास्ट वाले ब्लॉक में नीचे से हमें चारों तरफ से ब्लॉक तोड़ लेने हैं, कुछ इस टाइप से जैसे मैंने तोड़े हैं। एंड अभी फिलहाल बाहर को चलते हैं क्योंकि अब यहाँ पर हमारे बेड लगने वाले हैं। तो 20 बेड लेकर आते हैं बाहर से और फिर बेड लगाते हैं इसके अंदर। हाँ तो गाइज, फिलहाल मैं 20 बेड ला चुका हूँ, तो यहाँ को जल्दी से मैं बेड बिछा देता हूँ जितने भी मेरे पास हैं। तो कुछ इस तरीके से बेड बिछा देने हैं एंड फिर इनको ढक देना है। तो अभी फ़िलहाल मैं बताऊंगा किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर पहले, सबसे पहले मैं सारे बेड बिछा देता हूँ जितने भी मेरे पास हैं। हाँ तो गाइज, मैंने चारों तरफ बेड बिछा दिए हैं अपने 20 के 20। तो अब फिलहाल इसमें से अब मेरे को इन्हें ढक देना है। तो यहाँ से बीच में से एक ब्लॉक निकालेंगे और यहाँ पर लगाएंगे। एंड कुछ इस तरीके से इसकी छत डाल देंगे अब ब्लॉक की। तो भाई ध्यान रखना, यहाँ पर एक भी जगह रहवे नहीं कहीं से भी, जो कि ब्लेजर हमारे इसको बेड के पास आ सकें। हाँ तो ये भी बंद हो चुका है। अब क्या करना है गाइज, हमें अपनी पिकैक्स से ये साइडों के द्वारा ब्लॉक तोड़ लेने हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमारी जॉब लगने वाली है। एंड जो अब ये वाला जो प्लेटफॉर्म बनाया मैंने, यहाँ पर अपने ब्लेजर आने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से करना है। तो पहले मैं चारों तरफ से ब्लॉक तोड़ लेता हूँ, जब ये मिलता हूँ आपसे। हाँ तो गाइज, फिलहाल इस तरीके से हमें यहाँ से चारों तरफ से ब्लॉक तोड़ लेने हैं। एंड यहाँ पर लगाएंगे हम अपने कंपोस्टर। तो 20 कंपोस्टर है हमारे पास, तो 20 के 20 यहाँ पर लगा देंगे। तो कुछ इस तरीके से लगा देने हैं। एंड क्योंकि यहाँ पर हमारे ब्लेजर आ जाएंगे तो सारे ब्लेजरों पे जॉब हो जाएगी अपने। तो इस तरीके से ठीक है, हमारे लग चुके हैं। और ये लास्ट, तो हमारे चारों तरफ कंपोस्टर भी लग गए हैं। अब हमें कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पर हमें ब्लेजरों को छोड़ना है। अब तो चलो सबसे पहले ब्लेजरों को लेने चलते हैं। एंड ब्लेजर तो मेरे पास हैंगे, पर इस गड्ढे में को छोड़ने हैं तो पहले बाहर निकलना है मेरे को। और मेरे ब्लेजर हैं भाई कौन से गड्ढे में, सामने इसमें, तो इस वाली के मतलब पहाड़ में मैंने बंद कर रखे हैं। तो एक उनके लिए रास्ता बना देते हैं भाई, ताकि कहीं को भागे नहीं। तो इस तरीके से सिंपल कांगे। मेरा फ़ोन यार थोड़ा लैग करता है गाइस,
इसको इग्नोर कर देना एंड अपना गड्ढा भाई इस सामने है ना, तो मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा गड्ढा किस सामने है। तो इस तरीके से ला के अपना एक रास्ता बना देंगे ब्लेजरों के लिए। हाँ तो फिलहाल गाइज हमारे ब्लेजर ये रहे एंड अभी मेरे पास 20 ब्लेजर है नहीं। तो गाइज चलो अब बाहर को चलो जल्दी जल्दी। अरे बाहर को चलो यार, मेरे को देख रहे हो भाई, चलो यार। तो गाइज सीधा ही मैं इनको ब्लेजरों को गड्ढे में घेर के ही मिलता हूँ। हाँ तो समझदार है, चल आगे को चलता रहे। तो गाइज फिलहाल हमारे पास 4 ब्लेजर आ चुके हैं और यार मेरे कुछ ब्लेजर यार ज़ॉम्बीज बन के मर चुके हैं, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ से ब्लॉक तोड़ेंगे इस तरीके से एंड यार अभी मेरे सामने भी मर रहे हैं, देख रहे हो आप। यार ज़ॉम्बीज पता नहीं कहाँ से स्पॉन हो गए, इसमें मेरे सारे ब्लेजर मार डाले। चलो फिलहाल कोई बात नहीं एंड चलो कोई बात नहीं गाइस, फिलहाल हमारे 4 ब्लेजर बच तो गए। अब इनकी ब्रीडिंग वगैरह करा देंगे और अपने फिर ढेर सारे बच्चे हो जाएंगे, फिर अपने आयरन फार्म के लिए कंप्लीट हो जाएगा। तो सीधा ही मैं 20 ब्लेजर करके मिलता हूँ आपको। अब गाइस थोड़ा टाइम लगने वाला है। हाँ तो फिलहाल गाइज मैंने 20 ब्लेजर्स कर दिए हैं यहाँ पर, तो हमारे 20 ब्लेजर हो चुके हैं भाई। काफ़ी टाइम लग गया इनको करने में और गाइज अब कुछ नहीं करना, अब इसकी छत डाल देनी है सिंपल तरीके से। तो जितने भी मतलब ये ब्लेजर हैं तो इनमें नीचे 2 ब्लॉक का गैप छोड़कर तो इसके द्वारा से छत डाल देना, क्योंकि जो हमारे आयरन गोलम स्पॉन होंगे वो इन ब्लॉक्स के ऊपर होंगे एंड ऊपर ही लावा वावा सब गिरेगा, लावा और जो वाटर बकेट से पानी तो डलेगा। तो पहले मैं यहाँ पर इसको फिल कर देता हूँ। तो हमारे ये तो फिल हो चुका है और अब यहाँ पर लगाते हैं 2 चेस्ट हैं, एक यहाँ पर, अबे किधर गया, हाँ तो एक लग चुकी है, एक यहाँ पर इसके द्वारा अटैच होके एंड अब इन चेस्टों से अटैच करके एक होपर लगाना है। तो यहाँ पर चेस्ट से मिलाकर लगाना होपर वाइज, क्योंकि जो आयरन होगा तो होपर के होते हुए हमारी चेस्ट में आ जाएगा। तो फिलहाल अभी तो मैंने लगा दिए हैं ये और यहाँ पर बटन लगने हैं एंड एक ब्लॉक लगाना है स्टोन का। तो मतलब स्टोन का क्या, कई चीज़ का भी ब्लॉक लगा दो पर एक ब्लॉक होना चाहिए और इसके ऊपर एक बटन एंड नीचे एक मतलब जो जिसमें नेम वगैरह लिखते हैं उसको लगा देते हैं। तो इस तरीके से एंड अब इनके बीच में डल जाएगा एक लावा कुछ इस तरीके से। हाँ तो हमारा लावा ओवर सब डल चुका है एंड हमें कुछ नहीं करना, अब यहाँ पर बाहर जाके पानी और डालना है। तो पानी और डालते हैं बाहर जाके जल्दी से। तो यहाँ पर हमारा पानी आएगा तो यहाँ से पानी उठाते हैं एंड अब इधर कोने में मतलब पानी डाल देना, मतलब नीचे की साइड यहाँ पर क्राउच करके चलेंगे ताकि हम नीचे नहीं गिर जाएं। और यहाँ से गिर जा भाई, अरे यार हाथ नहीं पहुँच रहा मेरा यहाँ से, हाँ तो पहुँच गया। तो यहाँ से तो कुछ इस तरीके से पानी डाल देना और हमारा आयरन फार्म भी बन के कम्प्लीट हो चुका है। और जैसे ही ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हमारा आयरन गोलम भी स्पॉन होने स्टार्ट हो जाएंगे। और भाई यहाँ पर मैं चारों तरफ से पहले बाउंड्री कर देता हूँ ताकि हम इसके अंदर नहीं गिर जाएं धोखे में भी। अगर भाई हम गिरे तो सारे भाई सामान भी जाएगा और हम भी मर जाएंगे। तो फिलहाल मैं अभी ब्लॉकों से ही बाउंड्री कर रहा हूँ चारों तरफ से ताकि मैं अंदर गिर नहीं जाऊँ, तो इसलिए तो जल्दी से बाउंड्री वगैरह कर देते हैं। हाँ तो गाइज़ मैंने बाउंड्री सब कर दिए चारों तरफ से और अब इतना ख़तरा नहीं है, हम गिरेंगे नहीं। एंड भाई कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर एक वाटर बकेट पानी गिरा था और एक लावा बकेट एंड हमारा फिलहाल आयरन फार्म बन के रेडी हो चुका है गाइज़। अगर गाइज आपको ये आयरन फार्म पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब। हम मिलते हैं नए एपिसोड में किसी नए वीडियो के साथ, तो अब तक के लिए बाय बाय।